शवों के साथ रोते बिलखते परिजनों को यकीन नहीं हो रहा कि यह सब कैसे हो गया, मगर ये हकीकत है कि कर्ज में डूबे किसान परमिंदर की पत्नी और दो बच्चों की हत्या हो चुकी है। इसका आरोप लगा है खुद किसान परमिंदर पर, जो हत्या के बाद से फरार है। सबके पास सवाल है कि आखिर उसने ये हत्या क्यों की। परमजीत सिंह ने उधर दिमागी इलाज चल रहा था अमृतसर तो, उन्हें अपनी जड़ी वाइफ है पलविंदर कौर ते दोनों बच्चों का मर्डर करता है ते आप सवेरे 5 बजे का फरार है। उसकी दिमागी हालत खराब थी, मगर स्थानीय लोगों के साथ साथ परिजनों की माने तो परमिंदर कर्ज के बोझ से परेशान है, इसी ने उसे नशे की तरफ धकेला और आखिरकार वो अपना दिमागी संतुलन खो बैठा। कर्जा होना 6-7 लाख रुपये मेरे कले थले आई, एक मुंडे का सोना सोनू है उन्दे तो भी है, चलो आपकी वाही करते ने बहुत वधिया जगाड़े नाल पहली च बाहर बैठे ने। इस तेहरे हत्याकांड को लेकर परमिंदर पर लग रहे तमाम आरोप सिर्फ कयास भर है, असली वजह तो उसकी गिरफ्तारी के बाद ही पता चल पाएगी। मगर कर्ज के बोझ तले दबे किसानों की आत्महत्या की कड़ी में ये वारदात भी समाज और व्यवस्था के सामने बड़े सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ फिरोजपुर से ईशा ठाकुर, स्वराज एक्सप्रेस।